नमस्कार दोस्तों, और आज के वीडियो की शुरुआत इस हिलते हुए ग्रास होपर के साथ। तो दोस्तों, मुझे ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको भी इसको दिखाऊं कि प्रकृति ने कितने सुंदर सुंदर जीव बनाए हैं। और हम ना इसको कई दिनों से भगा रहे हैं अपने घर से, ये फिर आ जाता है क्योंकि हमारे घर में बहुत ही हरियाली है, ग्रीनरी है। तो ये तो हो गई प्रकृति की बात दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ कि कैसे हम अपनी घिया तोरी की बेलों को, जो कि अब फल दे रही हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फल पाएं। और हमारी घिया को भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और तोरी की बेल को भी। हमने ये ज़मीन में लगाई हैं अपने गार्डन में, और ये मेरा बेलपत्र का पौधा जो कि मैंने लास्ट वीक लगाया था पिछले हफ्ते, वो भी अब चल गया है, नए पत्ते इसमें निकल आए हैं। इसका मतलब हुआ कि अब इसने अच्छे से जड़ें पकड़ ली हैं और ज़मीन से, और अब इसमें नए पत्ते आ गए हैं और अब ये चलने लगा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है घिया और तोरी की बेलों की केयर हम कैसे करें। तो मैंने मई के महीने में ये घिया और तोरी की बेलें अपने गार्डन में लगाई थी, जो कि अब बढ़कर पूरी तरह से फ्रूटिंग के लिए तैयार हो चुकी हैं और इन्होंने अपने आसपास के सभी एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया है। और इस समय इसकी फ्रूटिंग के लिए ये जब तैयार हैं, तो इस समय दोस्तों इनकी केयर हमें करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें करना ये है कि हमें इनको खाद डालना है, गोबर का खाद। अगर आप डालना चाहे आपके पास हो तो आप गोबर का खाद डाल दें, नहीं तो थोड़ी बहुत आप यूरिया भी इसमें डाल सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूँगी कि आप यूरिया या कोई भी पेस्टिसाइड अपने सब्जियों पे अपने होम गार्डन में इस्तेमाल ना करें। मैं अपने गार्डन में यूरिया का इस्तेमाल नहीं करती। हम गोबर का खाद तभी इसमें डाल देते हैं जब हम इनके बीज रोपते हैं। और अब इसमें एक बार और आप इसमें खाद डाल दें, क्योंकि अब इसमें सब्जी लगने लगी हैं और इसकी ग्रोथ के लिए, अच्छी सब्जी लेने के लिए हमें इसमें खाद देना पड़ेगा। और दूसरी बात दोस्तों, ये सब्जियां जो है हैवी फीडर हैं, और उसके लिए हमें इनको खूब धूप की इनको आवश्यकता होती है। तो अगर इनके ऊपर किसी वृक्ष की छाया है तो उस वृक्ष की पत्तियों को, टहनियों को आप काट दें। पिछले साल मैंने अपने गार्डन में घिया लगाई थी, वो बेल पूरी तरह से फैल गई, पर उसमें फल नहीं लगा दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बड़े वृक्ष हैं, इन वृक्षों ने इनके ऊपर छाया कर दी और इस पर फल नहीं लगा। तो दोस्तों, ये होती हैं हैवी फीडर, धूप की भी और खाद की भी। इनको जितनी धूप मिलेगी उतना ही इन पर सब्जियाँ लगेंगी। तो इसके लिए हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम इनको रोपें तो उन जगह पर लगाएँ इनके बीजों को जहाँ पे अच्छे से खूब धूप आती हो। आप अपनी छत पे भी, टेरिस गार्डन में भी इन घिया को लगा सकते हो कंटेनर में। उसके लिए आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपका कंटेनर बहुत बड़ा हो और गहरा हो, उसमें खूब सारी मिट्टी आती हो, उसमें ही ये आपको सब्जियां देंगी। नहीं तो छोटे कंटेनर में अगर हम इसको लगाएंगे तो सिर्फ बेल की ग्रोथ होगी, उसमें फल नहीं आएगा। तो हमको ख़ास ख्याल यही रखना है दोस्तों कि हम अपने घिया तोरी को धूप वाले जगह पे लगाएं। अगर आप इनको छाया में लगाएंगे तो ये फल नहीं देंगी। मैंने सेम की बेल भी साथ साथ लगाई थी, वो एक जामुन के पेड़ के नीचे है, इसलिए उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। और घिया धूप में है तो इस पर खूब फल आ रहे हैं, खूब फूल आ रहे हैं और हमें ये खूब सारे फल देगी। तो दोस्तों, अब सीजन है इनका कि ये अब बहुत सारे हमें सब्जियां देंगी, तो इसके लिए आप इनको विशेष सावधानी बरतें।
और इन इनको अच्छे से खाद दें, पानी का ख्याल रखें। वैसे तो बरसात के दिनों में पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस घिया की बेल ने मेरी मधुमालती और मेरे नींबू के पेड़ को, अशोक के वृक्ष को, सबको अपने नीचे छुपा लिया है और ये उन सब के ऊपर फैल गई है। तो मधुमालती पे भी अब फ्लावर नहीं आ रहे क्योंकि घिया इसके ऊपर फैल गई है। तो ये छत से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए किस तरह इसने मधुमालती को अपने नीचे छुपा लिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही।